नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो मोहित की पाठशाला। ये हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संधि का जो एक प्रकार होता है जिसे हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि को उसके उदाहरणों के सहित या उदाहरणों के साथ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक दीर्घ संधि। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो आज का विषय है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि संधि का एक प्रकार होता है। संधि के ऊपर मैं पहले ही जो एक वीडियो है वो बना चुका हूं। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो संधि के जितने भी प्रकार है उन सभी को बारी बारी से हर एक वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दीर्घ संधि को उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो दीर्घ संधि है उसमें हमारे पास इसके 7-8 जो टाइप्स है, किस तरह से इसमें जो दीर्घ संधि है वो किन किन शब्दों के बीच में होती है, किस तरह से होती है, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला हमारे पास है यहाँ पे, तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सबसे पहला हमारे पास, अगर आपके पास कोई दो शब्द दिए और दो शब्दों में अ और अ है, ठीक है, अ और अ है, तो वो आ बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है, अगर आपके पास अ और अ है तो वो आ बनेगा। अब इसके जो उदाहरण है वो इस तरह से है, देखो, एक शब्द है चरण, दूसरा शब्द है अमृत, दोनों शब्दों को जब मिला दिया तो ये बना चरणामृत। ठीक है, अब यहां देखो, यहां अ है तो ये अ की साउंड दे रहा है, अ की इसमें ध्वनि आ रही है, यहां अमृत है इसमें अ की ध्वनि आ रही है, तो अ जमा अ ये आ बनेगा। तो यहां देखो ना, ये आ बन गया। ठीक है, तो चरण जमा अमृत ये बना चरणामृत। दूसरा इसका उदाहरण है, देखो, स्व व के साथ अ की ध्वनि आ रही है, अर्थ अ के साथ अ की ध्वनि आ रही है, ठीक है, तो स्व जमा अर्थ स्वार्थ, आ की मात्रा है ना, तो पहला जो उसका प्रकार है वो यही कहता है अगर अ जमा अ हो तो वो आ बनेगा। ठीक है, अगला जो उसका प्रकार है, जो उसका टाइप है वो है, अगर आपके पास कोई दो शब्द उसमें आ जमा अ हो तो वो आ बनेगा। ठीक है, आ जमा अ हो तो वो आ बनेगा। उदाहरण के लिए विद्या, आ की साउंड आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है, जमा अर्थी अ, तो आ जमा अ आ बनेगा, तो विद्यार्थी। ठीक है, अगला परीक्षा जमा अर्थी परीक्षा, तो आ और अ, आ और अ आ बनेगा, परीक्षार्थी। ठीक है, तो दूसरा जो उसका टाइप है, जो प्रकार है, वो कहता है कि आ जमा अ ये आ बनेगा। ठीक है, और इसके जो उदाहरण है वो इस तरह से, विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, परीक्षा जमा अर्थी परीक्षार्थी। ठीक है, सिंपल। अगला जो प्रकार है इसका वो है, अगर आपके पास आ जमा आ हो तो वो आ ही बनेगा। आ जमा आ हो तो ये आ ही बनेगा। उदाहरण के लिए दया और आनंद, ठीक है, दया और आनंद ये दो शब्द है, तो दया जमा आनंद, जब इनको मेल करते हैं, इनको मिलाते हैं, तो दया जमा आनंद बना दयानंद। यहां भी आ, यहां भी आ, यहां भी आ, दयानंद। ठीक है, दूसरा इसका जो उदाहरण है वो है दया और आलू। ठीक है, अब ये आलू दूसरे वाला आलू है, ये खाने वाला आलू नहीं है, दया जमा आलू ये बना दयालु। यहां भी आ, यहां भी आ, ये बना आ दयालु। तो अगर आपके पास आ जमा आ हो तो वो आ बनेगा। ठीक है, तो ये थे इसके अभी तीन प्रकार शुरुआती, अगर अ जमा अ हो तो आ बनेगा, आ जमा अ हो तो आ बनेगा, आ जमा आ हो तो आ बनेगा, तो तीनों में आ बन रहा है। ओके, अब अगले जो उसके उदाहरण है वो देखो, अगर छोटी ई और छोटी ई है, ठीक है, दो छोटी ई है, उनको जब जमा करेंगे, उनको मिलाएंगे तो हमारे पास ई बनेगा, बड़ी ई बनेगा। ठीक है, दो छोटी ई से बड़ी ई बनेगी। उदाहरण के लिए रवि जमा इंद्र, रवि जमा इंद्र ये बना रविंद्र। देखो बड़ी की मात्रा लगी, यहां छोटी की थी, यहां छोटी थी, यहां बड़ी की लगी, रवि जमा इंद्र रविंद्र। ठीक है, तो दो छोटी ई हो तो बड़ी ई बनेगा। अगला जो उसका टाइप है, जो प्रकार है, अगर एक छोटी ई हो और दूसरी बड़ी ई हो तो भी ये बड़ी ई ही बनेगा। जैसे यहां पे देखो, जैसे यहां पे आ बन रहा था वैसे यहां पे सब में ई ही बनेगा। ठीक है, ई छोटी ई जमा बड़ी ये भी ई बनेगा। उदाहरण के लिए गिरी,
छोटी की मात्रा यहाँ ईश, यहाँ बड़ी की मात्रा है, तो गिरी जमा ईश ये बना गिरीश, यहाँ बड़ी की मात्रा है ना, ठीक है। अगला टाइप है इसका, अगर दोनों बड़ी की मात्रा हो तो हमारा बड़ी की मात्रा ही आएगी, ये सिंपल है। तो उदाहरण के लिए मही जमा इंद्र, महिंद्र, ठीक है, मही जमा इंद्र महिंद्र, ठीक है। अगला जिसको प्रकार है, अगर एक बड़ी की हो दूसरी छोटी की हो तो भी यह बड़ी की बनेगी, ठीक है। रजनी जमा ईश रजनीश, ठीक है, रजनी जमा ईश रजनीश। तो जो ये ई वाला प्रकार है इसका, वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपको पता है कि अगर छोटी ई है दो तो भी बड़ी ई आएगा, एक छोटी ई है एक बड़ी ई है तो भी बड़ी ई आएगा, दोनों बड़ी ई है तो भी बड़ी ई आएगा, सिंपल। अगला जो उसका प्रकार है वो है री जमा री, ऋषि वाला री, ठीक है। दो री हो तो भी हमारे पास री ही बनेगा। अब वो किस तरह बनेगा, अगर आपके यहाँ दो री है ना, उनको अगर आप जमा करोगे तो आपके यहाँ री बनेगा, ऋषि वाला री। तो इसके जो उदाहरण है वो देखो, पितृ जमा ऋण, इनको जब हमने मिलाया तो हमारे पास बना पितृण, ठीक है। उसी तरह से मातृ जमा ऋण मातृण, यहां भी री यहां भी री, तो यहां भी री आया, यहां भी री था यहां भी री और यहां भी री आया, तो दो री हो तो भी हमारे पास री ही आएगा, ऋषि वाला री। पितृ जमा ऋण पितृण, मातृ जमा ऋण मातृ, सिंपल। अब इसका जो लास्ट प्रकार है, जो उसका अंतिम हमारे पास प्रकार है वो है, अगर आपके पास दो ऊ दिए हो तो आपके पास बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है। अगर दो ऊ दिए हो तो आपके यहाँ बड़ा ऊ बनेगा, जैसे गुरु जमा उपदेश गुरु उपदेश, भानु जमा उदय, देखो यहाँ भानु जमा उदय, यहाँ भी छोटे ऊ की मात्रा यहाँ भी छोटे ऊ की मात्रा, यहाँ देखो भानुदय यहाँ बड़े ऊ की मात्रा बनी, ठीक है। तो भानु जमा उदय भानुदय, सिंपल, समझ रहे हो। तो यही थे दीर्घ संधि के सभी प्रकार उदाहरण सहित। एक बार आपको फिर से बता देता हूं, अगर अ जमा अ हो तो आ बनेगा, आ जमा अ हो तो आ बनेगा, आ जमा आ हो तो आ ही बनेगा, दो छोटी ई हो तो बड़ी ई बनेगा, एक छोटी ई एक बड़ी ई है तो बड़ी ई ही बनेगा, दोनों बड़ी ई है तो बड़ी ई बनेगा, एक बड़ी ई है दूसरी छोटी ई है तो बड़ी ई बनेगा, एक री है दूसरा भी री है तो हमारे पास री आएगा, और लास्ट हमारे पास दो, दोनों अगर छोटे हुए हैं दोनों अगर छोटे हुए हैं तो बड़ा ऊ बने, ठीक है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, आज का विषय। छोटी सी वीडियो थी बट यूजफुल वीडियो थी, महत्वपूर्ण वीडियो थी। ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, स्पेशली टैट के लिए, सी टैट के लिए, टीजीटी कमीशन के लिए। तो ये वाली वीडियो सभी के लिए यूजफुल है, इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर देना। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।